الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء إن كان محقا، ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حضرت أبو أمامة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صدی ابن عجلان ان کا نام ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدی ابن عجلان، ابو امامہ باہلی، رضی اللہ تعالی عنہ، صدی ابن عجلان ابن الحارث، احد کی جنگ میں شریک رہے، مصر بھی گئے، پھر مصر سے منتقل ہو کر شام گئے، شام میں رہے، چھیاسی ہجری میں انتقال ہوا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. حدیث کی روایتیں ان سے زیادہ مروی ہیں، کئی حدیثیں مروی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. روایت کی زیادتی میں مشہور و معروف ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. شام میں جن صحابہ کا آخر میں انتقال ہوا ان میں ان کا نام آتا ہے. صحابہ مختلف جگہوں میں منتقل ہو گئے تھے، کوئی شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ بھی ان کی قربانی ہے کہ پورے ملکوں میں انہوں نے دین کو پھیلایا، کوئی مصر گیا، کوئی شام گیا، کوئی بصرے، کوئی کوفے، ان سے مرضی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضمانت لیتا ہوں جنت کے کنارے کنارے ایک گھر کی، اس شخص کے لیے جو کہ جھگڑے سے بچے اگرچہ حق پر ہو، جھگڑے سے بچے اگرچہ حق پر ہو. مثال کے طور پر چھوٹی موٹی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے کہ یہ قلم میرا ہے کہ تمہارا ہے، کوئی آدمی دعویٰ کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ چلو جھگڑا کون کرے، ہمارا قلم ہے، تب بھی ہم نے جھگڑا نہیں کیا اور چھوڑ دی. بمن ترکل میرا و ان کا نہ محقن، تو زیادہ بڑی بات ہو تو پھر ظالم کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ مخلوق خدا پر ظلم کرے، پھر اس سے انتقام لینا چاہیے. لیکن
छोटी मोटी बात है, बहस हो रही है। बहस में मिसाल के तौर पर आज का मौसम कैसा है, तो इसी पर बहस हो गई। अब कह रहे हैं कि नहीं आज तो गर्मी है, नहीं कल ज़्यादा थी। तो उसने कहा इतनी मामूली बात पर कौन झगड़ा करे, चलो तुम्हारी बात हम तस्लीम कर लेते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो इंसान बिल्कुल इस तरीके से डट जाता है कि हम एक इंच भी अपनी बात से दस्तबरदार नहीं होंगे। हालांकि उसका कोई हासिल भी नहीं होता है, कोई हासिल नहीं होता है, बल्कि कट हुज्जती करते हैं। आज इसमें तो हदीस में तो क्या बताया गया है कि थप्पर होने के बावजूद झगड़ा ना करें। लोग क्या करते हैं, बातिल पर होने के बावजूद झगड़ा करते हैं। इसकी मिसाल ये है कि एक वाकया है, लतीफा है, वो इसी तरह की बात पेश आती है अक्सर, लेकिन वो लतीफे में समझाई गई है कि एक चीज है नजर आ रही है, दो लोग बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि ये शुतुरमुर्ग है, और एक दूसरे ने कहा कि ये जो है ये फुला जानवर है, जो चार पाँव का जानवर है वो बताया उसने, कोई बड़ा जानवर बताया, हिरन बताया मिसाल के तौर पर, या कोई दूसरा जानवर बताया, कोई वहशी गधा बताया। तो दोनों लड़ रहे थे, वो कि नहीं वही है, देखो उसके वजह से ही वो है। एक कह रहा था नहीं, फिर इतने में वो उड़ गया। उड़ गया तो शुतुरमुर्ग साबित हो गया, क्योंकि शुतुरमुर्ग उड़ता है। तो उसने कहा जो कह रहा था शुतुरमुर्ग, देखो वो उड़ गया हो, तो क्या कहने लगा, उड़ गया फिर भी वही है हिरन। उड़ गया फिर भी हिरन ही, मतलब चाहे कुछ भी कहो मानेंगे। तो आजकल तो यही बात पेश आती है कि जो हो लेकिन बात वही है, जैसे वो कहते हैं ना, पंचों की बात सर आंखों पर, लेकिन परनाला वहीं गिरेगा सब। तो परनाले पर लड़ाई हो रही थी, झगड़ा, परनाला जानते हैं ना, वो घर में जो पानी गिरता है ऊपर से, वो जो होता है नाला, उसको कहते हैं परनाला, पर माने ऊपर। तो किसी को परेशानी थी, पड़ोसी को बेचारे को, कि यार हमारे यहाँ इससे परेशानी होती है। तो उसने जमा कर लिए, पंच पांच लोगों को जमा कर लिया, हकम सालिस फैसला करने वाले। तो सबने उसको समझाया कि यार तुम इधर भी तुम अपना परनाला कर सकते हो, दूसरी तरफ किसी का घर नहीं है, इधर इनका घर है। ऐसे समझाया, सबने समझाया। तो वो एक एक समझाता, वो कहता पंचों की बात सर आंखों पर, लेकिन परनाला वहीं गिरेगा। फिर दूसरा समझाता, जब भी वो यही कहता। तो बातिल पर होने के बावजूद भी झगड़ा कर रहा है। और हदीस शरीफ में क्या बताया गया है कि हक है तब भी चलो यार कौन झगड़ा करे, झगड़े को छोड़ दो। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए गारंटी लिए कि जन्नत के किनारे कम से कम हम उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ घर दिलाने की जमानत लेते हैं। एक वाकया है हक को छोड़ने के सिलसिले में, हजरत सईद इब्ने जैद अशराए मुबशरा में है, एक अरवा नामी एक औरत, वो सहाबी या नहीं है, वो बात की है यानी सहाबी ताबईन के तबके की है, लेकिन खबीस औरत थी। तो अरवा ने दावा किया कि ये सईद इब्ने जैद ने मेरी ज़मीन ले ली, मेरी ज़मीन का एक टुकड़ा इन्होंने मतलब अपनी ज़मीन में शामिल कर लिया, पड़ोस में होगा उसका। तो हजरत सईद इब्ने जैद ने कहा कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मैंने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो एक बाली ज़मीन भी अपने भाई की लेगा तो सात तबकों से वो उसके गले में डाली जाएगी और तोप बनाया जाएगा उसके गले का। तो फिर कहा कि छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया, इसी को ले लेने दो, इस खबीस को, खबीस औरत को ले जा तू ही। फिर उन्होंने बद्दुआ कर दी कि अल्लाह ताला अगर ये झूठी है तो इसकी आंखें फोड़ दे, अंधा कर दे इसको।
और इसकी कब्र इसके घर ही में बना दे, जिस घर में ये इतना इतना हिर्स हवस कर रही है। तो वो आखिर में अंधी हो गई, वो हजरत सईद इब्न जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बद्दुआ लग गई उसको। अशरा मुबशरा में सहाबी, अशरा मुबशरा कहते हैं 10 सहाबा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतखब हैं, कुरैश के हैं वो, मक्के के, और हुजूर के बिल्कुल करीबी हैं, और हुजूर ने उनको एक हदीस में बिशारत दी जन्नत में जाने की। उसमें कौन कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक, उस्मान, अली, सईद इब्न अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तलहा इब्न उबैदिल्लाह, सईद इब्न जैद, अबू उबैदा इब्न जर्राह, ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम, ये 10 सहाबी हैं। तो इनको अशारा मुबशरा कहते हैं। तो उसमें सईद इब्न जैद हैं, हजरत उमर के बहनोई लगते हैं। जो वाक़ आता है ना कि मारा था बहनोई को, वो कुरान पढ़ रहे थे, उनकी बहन और बहनोई वही हैं ये जो पहले, उनसे भी पहले मुसलमान हो गए थे, तो इन्हीं को मारा था वो। तो सईद इब्ने जैद ने कहा कि अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसको अंधा कर देना, इसकी कब्र इसके घर ही में बना देना। तो वो आखिर में अंधी हो गई वो, और फिर वो जा रही थी और कुआं था या गढ़ा था, चल रही थी वो, तलाश कर करके दीवारों का सहारा लेके चलती थी। ऐसों का कोई पुरसान हाल नहीं होता, उसी में गिर गई। और लोगों ने फिर कहा कि चलो यही कब्र बना दो, कौन निकाले, गड्ढे में ही गिर गई। तो उनकी बात कहने लगी, मुझे वो कहती थी जब वो अंधी हो गई कि मुझे सईद इब्ने जैद की बद्दुआ लग गई। तो किसी के हक पर काबिज नहीं होना चाहिए, भले ही अपना हक छोड़ दो, किसी के हक हक पर लेकिन दस्त दराजी नहीं करो। आजकल तो लोग एक एक बालिश ज़मीन में लड़ते झगड़ते हैं, छोटी मोटी चीज़ की खातिर लड़ते हैं या बहस करते हैं। दूसरी बात फरमाई, वबैतिन फी वसतिल जन्नह लिमन तरकल कदिब व इन काना माज़िअन, कि मैं जन्नत के बीच में एक घर की जमानत लेता हूँ जो झूठ को छोड़ दे, चाहे मजाक ही में क्यों ना हो। यानी हकीकत में और संजीदगी में तो झूठ बोले ही नहीं, लेकिन मजाक में भी झूठ ना बोले। लोग मजाक में झूठ बोलने को बुरा नहीं समझते हैं ना, मजाक कर लेते हैं और झूठ बोल देते हैं, किसी की अजियत का सबब भी बन जाता है, वो तकलीफ पहुंचा देते हैं। लेकिन मजाक दूसरी किस्म, सच्चाई का भी मजाक हो सकता है, झूठी क्या ज़रूरी है। आजकल तो इस सिलसिले में बिल्कुल कोई परहेज नहीं है, कोई बात नहीं है। एक दीनी है, उसको अप्रैल फूल कहते हैं, अंग्रेज़ों ने चलाया है उसको, उसमें लोग झूठ बोलते हैं, झूठी का मजाक करते हैं, तो वो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इन चीज़ों से मुसलमानों को बचना चाहिए। तो मजाक तो जायज़ है, लेकिन मजाक में भी क्या ना करो, झूठ ना बोलो, सच्चाई का मजाक करो। बहुत सारे लोग चीज़ उठा लेते हैं, फिर कहा मैंने तो नहीं उठाई, तो ये सब गलत है। लिमन तराकल कज़िब व इन काना माज़िअन, किसी मुसलमान को परेशान करना सही नहीं है। एक साहब सो रहे थे, एक चीज़ उठा ली किसी ने, वो बेचारे जब उठे तो घबराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यहिल्लु लि मुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो मुसलमान को घबराहट में मुबतला करे, ऐसे परेशान हो जाएगा वो। तीसरी बात फरमाई, वो बैतिन फी आला अल-जन्नह लिमन हसना खुलुकुहु, कि मैं जन्नत के आला दर्जे में एक घर की जमानत लेता हूँ जिसके अखलाक अच्छे हो जाए। अखलाक की बुलंदी में जन्नत की बुलंदी का वादा किया है। अखलाक में तो सारी चीज़ें आ गई, झूठ छोड़ना और झगड़ा छोड़ना, इसके अलावा और तो जैसे जैसे अमल, अखलाक की बुलंदी सबसे मुश्तमिल है सब चीज़ों पर, उसमें जन्नत के आला दर्जे में। अखलाक किसको कहते हैं? बज़लुल मारूफ़ व कफ़ुल अदा व तलाक़तुल वज़्ह, सबको फ़ायदा पहुँचाना और नुकसान ना पहुँचाना, और हशाश पशाश चेहरे के साथ सबसे मुलाकात करना। तो ये हदीस आप याद रखिए और इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह।